प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नए संसद भवन का उद्घाटन कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि नए संसद भवन को देखकर हर भारतीय गौरव से भरा हुआ है। नए संसद भवन की भव्यता देख देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हैरान है। वैसे मजे की बात देखिए कि पाकिस्तान तो परेशान है। परेशान इसलिए क्योंकि संसद भवन की दीवार पर अखंड भारत का नक्शा बनाया गया है। ये आजादी और विभाजन से पहले का नक्शा है। पीओके को लेकर वैसे ही पाकिस्तान का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है। ऐसे में भारतीय संसद में अखंड भारत का नक्शा देख पाकिस्तान को दिल का दौरा जरूर पड़ गया होगा। इस नक्शे में प्राचीन समय के महत्वपूर्ण साम्राज्यों और शहरों को दिखाया गया है। नक्शे में वर्तमान पाकिस्तान में स्थित तक्षशिला तक को दिखाया गया है। बहरहाल कई देशों के राजदूतों ने अखंड भारत के इस नक्शे के साथ साथ संसद की भव्यता को देखा। कई देश संसद भवन के उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे। इसी बीच भारत की नई संसद पर इजराइल का बयान सामने आ गया। इजराइल की तरफ से दो बयान सामने आए हैं। दूसरा बयान तो धमाकेदार है। चलिए शुरुआत पहले बयान से करते हैं। भारत में इसराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने ट्वीट करके कहा कि यह है भारत की शानदार नई संसद का उद्घाटन समारोह। गिलोन ने कहा कि विश्वास करना मुश्किल है कि सिर्फ 2.5 साल में यह संसद बनकर तैयार हो गई। भारत में इजरायली राजदूत के बयान के बाद इसराइल की संसद के स्पीकर का बयान सामने आया। ये बयान तो और भी जबरदस्त है। इजरायली संसद के स्पीकर आमिर ओहाना ने भारत को बधाई देते हुए ट्वीट किया और उसके बाद बड़ा खेल भी कर दिया। ओहाना ने अपने ट्वीट में कहा कि यरूशलम में इजरायली लोकतंत्र का दिल धड़कता है। हम वहीं से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को नई पार्लियामेंट की बधाई देते हैं। हार्दिक शुभकामनाएं। यहां खेल ये है कि इजरायली संसद के स्पीकर ने यरूशलम को इजरायली लोकतंत्र का दिल बता दिया। उसी यरूशलम को जिसे लेकर कई दशकों से विवाद चलता आ रहा है। फिलिस्तीन और कई मुस्लिम देशों का मानना है कि यरूशलम पर इसराइल ने कब्जा कर रखा है, लेकिन भारत को बधाई देते हुए इसराइल ने उसी यरूशलम को अपने लोकतंत्र का दिल बता दिया है। अब आप ही देखिए कि भारत ने अपनी संसद में अखंड भारत का नक्शा लगा दिया, तो वहीं इसराइल ने मौके का फायदा उठाते हुए यरूशलम को लोकतंत्र का दिल बोल दिया।